जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A to Z Jobs में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉरम निकलते हैं उनके बारे में उचित जानकारी प्रदान करते हैं। साथ में आपको बताते हैं एग्जाम कैसे भरना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर ऑफलाइन फॉरम है तो आपको एप्लीकेशन फॉरम कैसे डाउनलोड करना है और किस सेंटर पर और किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा के आपको फॉरम सबमिट करवाना है। तो अगर आपने पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को शेयर करें, और एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि जो भी आपका डाउट होता है वो डाउट क्लियर हो जाए, आपको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, SSB की जो 1522 वैकेंसी थी जो ट्रेडमैन ड्राइवर और वैनिटरी की थी, कि उनके फिजिकल स्टार्ट कब होंगे, तो उसमें मैंने बता दिया था कि अगस्त तक आपके फिजिकल हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, जो 1522 वैकेंसी थी। फिर उसका रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद आपका स्किल टेस्ट, देन मेडिकल ज्वाइनिंग, ये प्रोसेस था आपका उसका। दोस्तों, अब दूसरी थी जो SSB की 2018 में वैकेंसी निकली थी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, जिसका आपका 3 जनवरी को एग्जाम हुआ था। तो दोस्तों, वो उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन्होंने एग्जाम दिया था, 3 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ था, कि उनका रिजल्ट, तो उनका रिजल्ट आज डिक्लेयर हो चुका है। वो रिजल्ट मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रिजल्ट आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो आपको करना क्या, आपको सबसे पहले जो SSB की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको विजिट करना है। ये आपकी SSB की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो SSB recruit मतलब RECTT.gov.in, ये ओके करके आप सर्च कर सकते हैं। तो आपको जब वो साइट पर जाओगे तो आपको एक ये दिखेगा, आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू अपियर इन स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2018। क्लिक ऑन नोटिस सर्कुलर अंडर क्विक लिंक्स। तो आपको क्या करना है, इस लिंक पर ओके कर देना है। इस लिंक पर ओके करने के बाद आपको एक न्यू टैब ओपन होगा। जो न्यू टैब होगा वो आपको इस तरह से दिखेगा, इसमें आप देख सकते हैं नोटिस और सर्कुलर। इसमें आपका जो फर्स्ट नोटिस है, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू अपियर इन स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2018, तो मतलब इसमें उन बच्चों की लिस्ट है जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया गया है। टोटल 469 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं आपके SSB मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम में जो 3 जनवरी को हुआ था। मैं आपको अब रिजल्ट दिखा देता हूँ इसका। आप देख सकते हैं दोस्तों, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन रिटर्न एग्जामिनेशन पेपर 1, पेपर 2 हेल्ड ऑन 3 जनवरी 2021 एंड एलिजिबल टू अपियर इन स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो ये आपकी जो लिस्ट लगाई गई है, टोटल 10 पेजों का आपका ये रिजल्ट बनाया गया है, जिसमें आपके 469 मतलब 469 टोटल बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। जो रिजल्ट है वो आपका मेरिट के अकॉर्डिंग नहीं है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि मेरिट के अकॉर्डिंग रिजल्ट डिक्लेयर किया है, लेकिन मेरिट के अकॉर्डिंग नहीं है, ये आपके सीरियल वाइज, सीरीज वाइज जो रोल नंबर वाइज आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया है, जिसमें आपका नाम, कैटेगरी, सेंटर और रोल नंबर। सबसे ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए हैं आपके दिल्ली सेंटर से, जिन बच्चों का दिल्ली एग्जाम था वहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे आपके क्वालिफाई हुए हैं। फिर आपके हुए हैं लखनऊ और पटना। तो जिस तरह लास्ट बच्चा आपका 469, इसमें 4 स्टेट KM दीपा, OBC लखनऊ, श्वेता चौरसिया OBC भोपाल। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे कमांडेंट की मोर लगी हुई है, 20/5/2021 का आपका नोटिस है, VRK पुरम न्यू दिल्ली, जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, वहाँ से आपका ये नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों, अब इसके बाद आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। जो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, जब भी कोरोना का, जो कोविड का है, लॉकडाउन खुल जाएगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका बहुत जल्दी टाइपिंग टेस्ट होने की उम्मीद है। टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा आपका, 30 वर्ड मिनट आपका हिंदी वालों के लिए, 35 वर्ड मिनट आपको इंग्लिश वालों के लिए। आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो एक सॉफ्टवेयर के द्वारा लिया जाएगा, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होगा जिसमें बैक स्पेस का बिल्कुल यूज नहीं होगा, मतलब जो बच्चे डिलीट का बोल देते हैं वो बटन आपका काम नहीं करेगा। गलती कहाँ करते हैं बच्चे, वो जब कोई कैप्स लॉक या स्विफ्ट का कैप्स लॉक का प्रेस करने का टाइम आता तो कैप्स लॉक को प्रेस करके भूल जाते हैं, तो आपके जितने बाकी लेटर हैं वो बोल्ड या कैपिटल में हो जाते हैं, लेकिन वो आपको स्मॉल लेटर में करने, तो सबसे बड़ी एक मिस्टेक ये है। सेकंड मिस्टेक ये है कि आप टाइम को मेंटेन नहीं कर पाते, कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं या आप हड़बड़ाहट में टाइपिंग में गलती कर देते हैं। आपको होगा क्या, सबसे पहले आपके
रोल नंबर देख के आपकी एंट्री होगी, एंट्री के सभी आप सभी का जितने भी बच्चे हैं सबका अलग अलग जो इनके ग्रुप सेंटर है वहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और टाइपिंग टेस्ट में आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको दो पेज दिए जाएंगे, आपको अपना लॉगिन और पासवर्ड डाल के आपको टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट करना होता है। 10 मिनट का टाइम मिलेगा, 5% की एरर तक आपको छूट मिलती है। तो मैं सभी बच्चों से बोलना चाहूँगा जब भी टाइपिंग टेस्ट दे तो हड़बड़ाहट में टाइपिंग टेस्ट ना दे, कूल माइंड फ्रेश माइंड से आपका टाइपिंग टेस्ट दें और कैप्स लॉक का बिल्कुल सावधानी से यूज करें। आपका जो बैक स्पेस का बटन है, बैक स्पेस का बटन आपका यूज नहीं कर पाओगे। तो ये जानकारी थी जो मुझे आपको वीडियो के माध्यम से प्रदान करनी थी। साथ में मैंने आपको यही बता दिया कि आपको रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना, रिजल्ट डाउनलोड करके आप अपना रोल नंबर है और नाम है वो चेक कर सकते हैं। साथ में दोस्तों मैं एक आपको ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि आपको मैं एक या दो दिन में, मतलब कि कल तक आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करूँगा जो होगी आपकी ITBP ट्रेडमैन ड्राइवर एंड एनिमल ट्रांसपोर्ट की जॉब कैसी है, मतलब प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल, प्रोमोशन कैसे होता है, सैलरी क्या मिलती है, फैसिलिटी क्या क्या मिलती है और इसके ज्वाइन करने के फ़ायदा क्या है, मतलब आप इन जॉब पर जाओगे तो आप ज्वाइन करने के आपके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।